अच्छी आदत में के मामले में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अच्छे काम को आदत की सतह से ऊपर लेके करें, ऊपर उसको आदत की सतह से बुलंद कर लें, ठीक है। यानी विर्द को जिक्र में तब्दील करना, ये एक, यानी मेरा हार्ट इन्वॉल्व हो जाए, ये इसके लिए शऊर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर लग गया तो बड़ी तकलीफ थी, तो लोगों ने कहा कि भाई इसको जब खींचते थे तो नहीं, मतलब तकलीफ़ होती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि निकाले। फिर किसी ने मशवरा दिया कि नमाज जब पढ़ रहे होंगे ना, नमाज की हालत में, तो फिर इनका तीर निकाल लेना, इन्हें नहीं पता लगेगा। वो ऐसे ही हुआ, नमाज पढ़ रहे थे, उनका तीर निकाल लिया गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। तो वो असल में नमाज के अंदर गुम थे, नमाज के अंदर पूरे तौर पर एब्जॉर्ब थे, इनग्रॉस्ड थे, कुछ भी आप कहें, उनका फुल कंसंट्रेशन था उस जगह पर। आदत जो है वो, उसका एक और मसला ये है कि जिस काम की आपको आदत होती है, आप उस काम के ऊपर रिफ्लेक्टिव प्रोसेस या तो नहीं करते या लोएस्ट पर रन करते हैं। ये क्लियर हो रही बात? वो काम जो आपकी आदत है, वो आप रिफ्लेक्टिव प्रोसेस आपका या तो नहीं होगा या लोएस्ट पर रन होगा। खोलिएगा सर, ठीक है, आप बता दें आप के नतीजे में वो शुरू हुआ हो, हाँ, और फिर वो आदत बन गया हो, तो की आदत हो गई है ना, अब इसको थोड़ा समझा दें। यानी अगर आदत है तो आपको मुलाकात का एहसास नहीं होगा, जिसे खुशू व खुशु कहते हैं, जिसे खुशू व खुशु कहते हैं, वो आदत का नतीजा नहीं होता, वो हवास और शऊर की पूरी इन्वॉल्वमेंट का आउटकम होता है। खुशू व खुशु एक्ट नहीं है, जिसे आप कहें मैं खुशू व खुशु कर रहा हूँ, खुशू व खुशु आउटकम है आपके शऊर और आपके हवास पर मुलाकाती की प्रेजेंस का एहसास अपनी कुव्वत से तारी हो जाए तो खुशू व खुशु उसका आउटकम होता है। खुशू व खुशु एक्ट नहीं है, खुशू व खुशु आउटकम है। अच्छा, ये तो रसूल अल्लाह सल्लम बता के गए कि भाई तुम ऐसे पढ़ो जैसे तुम उसे देख रहे हो। यानी आप उस मुलाकात को क्या कहेंगे जिसमें आपको मुलाकाती की प्रेजेंस का एहसास ही ना हो रहा हो? आप उसे, यानी मुलाकाती की प्रेजेंस का एहसास जितना यकीनी होगा, उसी सूरत में तो आपकी मुलाकात, यानी आप जिसके दरबार में खड़े हैं, आपको पता लगे कि वो दरबार में जिसके खड़ा हूँ वो तो है ही नहीं, मतलब आप जिसके दरबार में खड़े हैं उसके होने का यकीन आपकी कैफियत को ठीक रखेगा ना, तो आपका रुआं रुआं जो है वो अपनी सही कंडीशन में आ जाएगा। तो ये माइंडलेसली नहीं हो सकता। क्लियर हो रही बात? तो जिसे हम, तो आदत जो है, आदत का मसला ये, देखें ये बात दुरुस्त है, आदत कैसे बनी? आदत जो है, आपने वो काम किया, फिर वो काम करते चले गए, कई दफ़ा किया, तो होता ये है कि रिफ़्लेक्ट करने का अमल कम होने लगता है, फिर रिफ़्लेक्ट करने का अमल ख़त्म हो जाता है, और रूटीन जो है वो उस काम के रेगुलर होने को इंश्योर करता है। यानी वो चीज़ें जो रूटीन में हैं उनका आदत बन जाना आसान है, जो चीज़ें रूटीन में नहीं है वो उसके आदत बनना बहुत मुश्किल काम है।